मैं चाहूंगा साहब मुझे बताया कि आप सभी साथ में बैठे हो, क्योंकि तो मेरा पहला आग्रह था कि वहां सारी एम्बुलेंस वैन खड़ी रहे और सबको पहले एक बार हॉस्पिटलाइज किया जाए, लेकिन मुझे तुरंत डॉक्टरों ने बताया कि इन लोगों की तबीयत इतनी बढ़िया है, ये लोग इतनी मस्ती से अंदर रहे हैं और इतनी हिम्मत है कि फिर मेडिकली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, मैं रात को ही बात कर लेता हूँ सबसे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी सर, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ सर। अखिलेश कहाँ से हो? जी सर, मैं यूपी से मिर्जापुर से हूँ सर। मिर्जापुर से है, चलिए मैं भी यूपी वाला हूँ। जी सर, जी सर। अच्छा बताइए अखिलेश। जी सर, आपका आपको क्या कहना है बताइए। जी सर, हमको कहना है यही है सर कि हमारी जितनी भी टीम लगी हुई थी सर, पुष्कर सिंह धामिंग सर जो भी थे सर, बराबर हालचाल लेते रहते थे सर, हम लोग को हौसला हम लोग का सर बुलंद रहता था। बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी। बाकी सर SDRF NDRF और हमारे कंपनी वाले सर दिन रात लगे हुए थे ना सर, तो उन लोगों को सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग को सर सेफ निकाले। और हम लोग जिस तरह से निकले सर, हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी है सर, उससे ज्यादा भी सर बाहर वालों को खुशी है सर, वो लोग भी सर दिन रात मेहनत किए हुए हैं सर, इसलिए मैं सर सबको पूरे देश को खुशी है अखिलेश, पूरे देश को और दुनिया में भी, क्योंकि मेरी अभी एक G20 समिट थी तो दुनिया के नेता भी उत्तराखंड की घटना को लेकर के चिंता अपनी व्यक्त करते थे, तो सारी दुनिया को चिंता होती है किसी भी ऐसी घटना में, तो सारा हिंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने, लेकिन अंदर आपको दिन रात का तो पता चलता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ। हाँ सर, हम लोग का मोबाइल वगैरह तो पर सर हम बचा कर रखते थे, टाइम देखने के लिए ऑन करते थे। बाकी सर उसके बाद कंपनी वालों ने सर हम लोग को सर मोबाइल वगैरह चार्जर वगैरह हम लोग का प्रोवाइड करवा दिए, तो सर अच्छा सर फील होने लगा, फिर टाइम वगैरह का पता चलता था, फिर हम लोग सर थोड़ा मनोरंजन भी करने लगते, फिर थोड़ा मन हम लोग का हल्का होता था सर। बाकी घबराहट वगैरह किसी को हुआ नहीं सर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है सर, 41 मेंबर जो है ना सर टोटल सेफ है सर। नहीं, मुझे जब वो पहली बार छेद कर करके चीजें भेजना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब हम संभाल पाएंगे, क्योंकि तब तक मुझे चिंता थी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाती है। वही वही सर है ना सर। बाकी सर सभी टीमों ने सर बहुत अच्छा कार्य किया सर, जितने भी गवर्नमेंट से लेके सर आपका उत्तराखंड सरकार से सर पुष्कर सिंह। अखिलेश निकलने के बाद परिवार से बात हुई क्या? जी सर, फैमिली वालों से बात हुई थी सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? फैमिली वाले बोल रहे थे सर अच्छा है, जो भी है जो भी हुआ अच्छा हुआ। आप में से कोई साथी था, उसका भाई तो कह रहा था 2-3 दिन पहले कि बस मैं तो ये निकलते उसको घर ले जाऊंगा, अब मुझे यहाँ काम करने नहीं दे रहा है। जी सर, वो तो है सर, मतलब अब भाई भी है सर वहाँ पे। जी सर। जी सर, नमस्कार सर, मैं सोनू कुमार साहब बोल रहा हूँ सर। हाँ सोनू कुमार जी, बताइए कहाँ से हैं आप? मैं सर बिहार से हूँ सर। कहाँ से? बिहार से, बिहार में छपरा जिला से हूँ सर। छपरा से? अच्छा, ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता है हमारे कंपनी से लेके जितने NDRF SDRF जो भी है सर, हमें हर वक्त हर समय सहायता प्रदान की गई। ऐसे है कि सर जब हम लोगों का मन उबने लगा, हम लोग को लगा कि ऐसा कि हम लोग यहाँ पे बहुत बोर फीलिंग कर रहे हैं, तो हमारे घर से भी इन्होंने ऐसी सुविधा की कि हम उनसे बात कर सके, जिससे हमारा मन हल्का रहता था सर। नहीं, लेकिन फिर भी भाई ये बहुत चिंता का समय था, आप लोगों ने अच्छा अपने आप को संभाला, क्योंकि ये बहुत पता नहीं कुछ बुरा हो जाता तो पता नहीं हम तो क्या कर सकते थे, यानी अंदर इतनी चिंता होती थी सबको, पूरे देश में चिंता होती थी, लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मत बनाई है वो आने वाले दिनों में भी देश के कई नागरिकों को ये प्रेरणा देगी कि संकट के समय हमने ऐसा क्या करना चाहिए, ये जरा अंदाज तो आएगा सबको। जी सर, हम लोग एक साथ एक परिवार की तरह रहते थे, बाकी हमारे जितने भी सीनियर मेंबर्स थे कुछ मनोरंजन के लिए कुछ हम लोग हौसला अफजाई किए,
बाकी सब लोग हम लोग एक परिवार की तरह सर रहे, एकजुट रहे, एक साथ खाना खाए, एक साथ हर सुख दुख में सर हम लोग मतलब साथ रहे सर। जब हमारे एनडीआरएफ के जवान जब अंदर घुसे तो हमारी जान में जान आई, हमने ईश्वर का धन्यवाद किया। बाकी जितने भी लोग वहाँ पे हैं, खासकर हमारे पुष्कर सिंह धामी जो हमारे इस उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं सर, उनका तहे दिल से हम सब धन्यवाद करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में सारे उत्तराखंड के लोग, सारे देश हमारे साथ खड़ा था सर। देखिए, आपके परिवार की तपस्या भी काम में आई है, परमात्मा के आशीर्वाद भी काम में आए हैं, और 140 करोड़ देशवासियों की दुआ भी काम में आई है, और कुल मिलाकर के सब इस संकट से निकल करके बाहर आए हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आगे अगर आप घर न जाना चाहते हैं, कोई व्यवस्था करनी है, क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप पहले चाहता था क्योंकि कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अब मुझे डॉक्टर ने बताया कि साहब और सभी 41 के 41 लोग तबीयत उनकी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे जैसा ही आपकी टीम चाहेगी वैसी सारी व्यवस्थाएं हमारे मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना, और आप लोग स्वस्थ रहें, और इसी प्रकार एक टीम बना करके हिम्मत के साथ आगे हम बढ़ते रहें, और आप भी देश के लिए एक प्रेरणा बनते रहें, यही एक मेरी हमेशा प्रार्थना रहेगी। और कभी मिलने का मौका मिलेगा तो जरूर याद करूंगा, लेकिन मैं तो आज वैसे मुझे आज इतना आप लोग इतने दिनों के बाद आए, इतना समय आपका लेना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अपने उमंग को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं सोचा भले थोड़ी रात देर हो गई है लेकिन मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप के पहले बात करना नहीं चाहता था और मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता था, तो मैंने सोचा चलो रात को ही बात कर लूं आपसे। जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद भैया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भैया। जय भारत सर। जय हिंद भारत माता की जय सर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।